नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। हरियाणा टीचर्स रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो जरूरी खबर है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री से जुड़ी हुई अपडेट आपको मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको लेटेस्ट जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट आती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ये देखिए, न्यूज आ रही है, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद डीम्ड विश्वविद्यालय डिग्री धारकों को नहीं मिली पीजीटी पद की नियुक्ति। 7 साल पहले 2012 में विज्ञापन संख्या 1/2012 के तहत निकाली गई थी भर्ती। तो 7 साल से कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। रीजन क्या है, देखिए 7 साल पहले निकाली गई पीजीटी भर्ती में चयनित आवेदकों को अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। इन चयनित पीजीटी की ज्वाइनिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होने के चलते रोकी गई थी। इसके बाद इन सभी डिग्री धारकों की जांच की गई। दिलचस्प बात तो यह है कि 4 साल पहले 27 मई 2005 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने डीम्ड यूनिवर्सिटी डिग्री धारकों को सशर्त ज्वाइनिंग देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के डबल बेंच में एलपीए दायर कर दी। हाई कोर्ट की डबल बेंच में मामले की सुनवाई चल रही थी, इसी दौरान सरकार ने याचिका को 19 अगस्त 2019 को वापस ले लिया। इस बात को भी 4 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक डीम्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करने वाले चयनित करीब 1000 पीजीटी को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। हाई कोर्ट अवमानना का केस करेंगे दायर, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। 7 साल करवाए इंतजार, अब ज्वाइनिंग दे सरकार। डीम्ड यूनिवर्सिटी के पीजीटी आवेदकों ने कहा है कि उन्होंने इस भर्ती के लिए 7 साल तक इंतजार किया है। कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, इसके बाद कोर्ट ने उनके हक में फैसला भी दिया। इसे देखते हुए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द डीम्ड यूनिवर्सिटी के चयनित पीजीटी को ज्वाइनिंग पत्र देकर भर्ती करें। आवेदकों ने कहा कि उनकी डिग्री को लेकर किसी भी तरह की जांच सरकार करवा चुकी है, ऐसे में अब सरकार के पास ज्वाइनिंग लटकाने का कोई कारण नहीं है। देखिए, इन विश्वविद्यालय के आवेदकों की रुकी है ज्वाइनिंग। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? प्रदेश सरकार की ओर से IASI यूनिवर्सिटी राजस्थान, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, विनायका मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु और JRN विद्यापीठ राजस्थान से मास्टर डिग्री करने वाले आवेदकों की ज्वाइनिंग रोकी है। इन आवेदकों की डिग्री की जांच सरकार 12 दिसंबर 2014 को पत्र जारी कर चुकी है। इस जांच में डिग्री सही पाई गई थी। तो ठीक है दोस्तों, ये है अपडेट जो कि निकल के आ रही है, जो पीजीटी की रिक्रूटमेंट आई थी हरियाणा में उससे जुड़ी हुई, जो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई है। और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।